बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाकियात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत सैदना सरी बिन याहिया रहमतुल्लाह अलैहि से मरवी है कि एक शख्स खुरासान से बसरा आया और वहीं रहने लगा। उसके पास 10,000 दिरहम थे। जब हज का पुरबहार मौसम आया तो उस खुरासानी ने अपनी जोजा के साथ हज पर जाने का इरादा किया। अब ये मसला दरपेश हुआ कि ये 10,000 दिरहम किसके पास अमानत रखे जाएं। जब लोगों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा, तुम अपनी रकम हजरत हबीब अबू मोहम्मद अजमी रहमतुल्लाह अलैही के पास रख दो। चुनाचे वो हजरत सैदना हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैही के पास आया और कहा, हजूर, मैं और मेरी अहलिया हज पर जाने का इरादा रखते हैं। हमारे पास 10,000 दिरहम हैं, आप ये दिरहम रख लें और हमारे लिए बसरा में एक अच्छा सा घर ख़रीद लें। यह कहकर उसने सारी रकम आपके हवाले की और अपनी जोजा के हमरा हज के लिए रवाना हो गया। हज़रत सैदना हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैही ने अपने साथियों से मशवरा किया कि अगर हम इन 10,000 दिरहम का आटा ख़रीद लें और फ़कीरों पर सदका कर दें तो कैसा रहेगा। लोगों ने कहा, हजूर, ये रकम तो उस शख्स ने आपके पास इसलिए रखवाई है ताकि आप उसके लिए कोई मकान ख़रीद लें। आपने इरशाद फरमाया, मैं ये तमाम रकम सदका करके उस शख्स के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल से जन्नत में घर ख़रीदूँगा। अगर वो उस घर पर राज़ी हुआ तो ठीक है, वरना हम उसकी रकम वापस कर देंगे। फिर आप रहमतुल्लाह अलैहि ने आटा और रोटियाँ मंगवा कर फ़ुक़रा में तकसीम फरमा दी। जब वो खुरासानी हज करके बसरा वापस आया तो हजरत सैदना हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैही के पास हाजिर होकर अर्ज़ की, ए अबू मोहम्मद, मैंने आपके पास 10,000 दिरहम रखवाए थे, क्या आप मेरे लिए मकान ख़रीद लें। अगर आपने मकान नहीं ख़रीदा तो मेरी रकम मुझे वापस कर दें ताकि मैं ख़ुद कोई मकान ख़रीद लूँ। हजरत सैदना हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैही ने फरमाया, ए मेरे भाई, मैंने तेरे लिए ऐसा शानदार घर ख़रीदा है जिसमें बहुत उम्दा महल, नहरें, मेवे और फलदार दरख्त हैं। यह सुनकर वो खुरासानी अपनी जोजा के पास गया और कहा, हजरत सैदना हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैही ने हमारे लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल से जन्नत में एक घर ख़रीद लिया है। उसकी जोजा ने कहा, ठीक है, मैं उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत सैदना हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैही के अहद को पूरा फरमाएंगे। लेकिन क्या मालूम कि हम उनसे पहले ही सफ़र आखरत की तरफ रवाना हो जाएं। तुम ऐसा करो कि हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैही से एक रुका लिखवा लो कि वो हमें जन्नत में एक घर दिलवाने के ज़ामिन हैं। चुनाचे वो आप रहमतुल्लाह अलैही के पास आया और कहा, ए अबू मोहम्मद, आपने जो घर हमारे लिए ख़रीदा है वो हमें कबूल है, आप हमारे लिए रुका लिख दें कि आप जन्नत में घर दिलवाने के ज़ामिन हैं। फरमाया, ठीक है, रुका लिख देता हूँ। फिर आपने इस तरह रुका लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ज़मानत नामा है इस बात का कि हबीब अबू मोहम्मद ने अपने रब से फलां खुरासानी शख्स के लिए 10,000 दिरहम के इवज़ जन्नत में एक ऐसा घर ख़रीदा है जिसमें महल्लात, नहरे और फलदार दरख्त हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ज़िम्मे करम पर है कि फ़लाँ शख्स को ऐसी सिफात से मुतसिफ घर देकर हबीब अजमी को इसके अहद से बरी कर दे। खुरासानी वो रुका लेकर खुशी खुशी अपने घर आया। अभी इस वाक़े को 40 दिन ही हुए थे कि वो बीमार हो गया। उसने अपनी जोजा को वसीयत की कि जब मुझे गुसल देकर कफन पहनाया जाए तो ये रुका मेरे कफन में रखवा देना। हस्बे वसीयत रुका उसके कफन में रख दिया गया। दफनाने के बाद लोगों को उसकी कब्र पर एक पर्चा मिला जिस पर लिखा था, यह हबीब अजमी के लिए इस घर का बरात नामा है जिसे उसने फलां शख्स के लिए ख़रीदा था। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने खुरासानी को ऐसा घर दे दिया है जिसका हबीब अजमी ने अहद किया था। लोग ये रुका लेकर हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैही की बारगाह में हाजिर हुए। आप वो रुका पढ़कर रोने लगे और अपने साथियों के पास आकर फरमाया कि ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से मेरे लिए बरात नामा है। मज़ीद ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।